अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़ैन द किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चाइनीज़ फ्राइड सैंडविच, जिसके लिए हमने ये काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, एक हरी मिर्च कट कर ली है, आधा टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून चिकन पाउडर है, 2 अंडे इन्हें उबाल लिया है, हार्ड बॉयल किया हुआ मैंने इसको, 2 टेबल स्पून हरी प्याज है, ये हरा वाला हिस्सा है, 2 आलू उबाल कर छील लिया मैंने, मैश कर लूँगी, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये हमारे होममेड हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये 6 स्लाइस दी हैं, अगर ये कम ज़्यादा होते हैं तो मैं खोल ले लूँगी। ये कटिंग करने के लिए रखा हुआ हमने, और हाफ कप हमने ये कैबेज लिया है, 1 अंडा है, तो अब ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं इसको किसी चीज़ की कमी। अंडे को देखें, हमने ग्रेट कर लिया ग्रेटर से, अब हम दूसरा अंडा भी कर लेंगे इसी तरह। आलू को भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है इस तरह से। अब हम एक अलग-अलग बॉल लेंगे, उसमें ये अंडा, प्याज, दूसरा अंडा, कैबेज, ये बाकी मसाले। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एकजान हो जाएं, आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे ना आलू में शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया, ये मिक्सचर हमारा रेडी है, और मैंने इसे टेस्ट किया था, इसमें मुझे काली मिर्च कम लग रही थी, मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च और मिलाई है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन पाउडर की जगह इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाता है, जो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने चिकन पाउडर डाला है, अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट हो तो आप 1/2 टीस्पून वो डालिएगा। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाना भूल गई, इस तरह से हम इनको एक बॉल की शेप दे देंगे, क्योंकि मेरे स्लाइस बड़े हैं तो ज़्यादा मिक्सचर लेना पड़ा है मुझे। चलिए जी, हम अपने स्लाइस कट कर लेते हैं, ये मेरे पास प्लास्टिक जार थी, उसका लिड है मेरे पास, इससे हम कट कर लेंगे। देखें, इसको काटने में ज़रा मुश्किल हो रही है, बस अब ये निशान लग गए हैं तो मैं इसको इस तरह नाइफ से कट कर लूँगी। ये देखें, मुझे वो लिड से काटने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने निशान उस लिड से लगा लिया है, और कटिंग मैं सीजर से कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। ये सीज़र मेरी किचन में ही रहती है। ये देखें, मैंने 4 पीस और लिए थे, तो मैं केचप दिखाना भूल गई थी आपको, केचप और मेयोनीज़ वो लगाएंगे हम। 5 पर मैंने ये केचप लगाया है, 5 पर ये मेयोनीज़ लगाया है, और इन सबको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। केचप हमने स्प्रेड कर लिया है, अब ये मेयोनीज़ भी कर लेंगे हम इसमें। ये तमाम पर हमने ये फ्लैट रख लिया है, अब हम ये जो आपको दिखाए थे इसको हम हाथ से फ्लैट करेंगे। देखें, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और हम इस पर ये रख देंगे। सारे भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, तमाम हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम ये एक एक उठाते जाएंगे, इस तरह इस पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से प्रेस कर देंगे, हमने इन्हें अच्छे से प्रेस किया है ताकि ये दब जाए ना, उसके किनारे सील हो जाए। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक उठाएंगे हम इसको, अंडे में डिप करेंगे इस तरह से, इसमें बनाने भी अंडे मैंने आपको एक दिखाया था, लेकिन ये 2 अंडे हैं और मुझे ये अभी कम लग रहे हैं। बाकी सबको भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, इन सबको हमने रेडी कर लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक एक ही आएगा, पैन छोटा है मेरा। देखें, मैंने इसको टर्न कर दिया है, कितना अच्छा सा ये गोल्डन हो गया है। बस ये हमें इतना ही गोल्डन चाहिए था, इसे हम निकाल लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त बना है ये देख सकते हैं आप, इसकी क्रिस्पीनेस देखें। ये देखें, दूसरा भी हमारा रेडी होने वाला है, बाकी हम सारे इसी तरह करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारा लास्ट भी हो गया है, बस हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, हमारे चाइनीज़ फ्राइड सैंडविच रेडी हो गए हैं, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हर तरफ से सील्ड हैं, बिल्कुल कहीं से खुले नहीं हैं, और आप इसकी ये क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं ये।
आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।